यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा, मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा, छक्का लग जाएगा। मैं जब जवान था, लोकसभा चुनाव 2019 के लिए प्रचार प्रसार कुछ ऐसा हो चला है कि सभी अपनी गरिमा, अपना पद, अपनी मर्यादाएं सभी कुछ भूल चुके हैं। तभी तो जो मन में आ रहा है, भरी सभा में खड़े होकर बस बोल दे रहे हैं। ये भूल जा रहे हैं कि ये जनता ही है जो इनके भविष्य का फैसला करने वाली है। अगर जिस जनता के संदर्भ में आप ओछी राजनीति पर उतरे हैं, वो जनता सिर्फ इतनी भर नहीं है जो आपके सामने मौजूद है, जनता पूरे देश की है जो अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए तैयार बैठी है। उसी का एक एक मत आपकी किस्मत का फैसला करेगा। ऐसा नहीं है कि बदजुबान नेताओं की तरफ जनता का ध्यान नहीं गया। सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, नेताओं का एक एक बयान साथ के साथ पूरी दुनिया में वायरल होता है। जैसे आजम खान की जयप्रदा पर टिप्पणी, मायावती की मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश, उसके बाद उन पर चुनाव आयोग की तरफ से की गई कार्रवाई भी। अब इस बदजुबान नेताओं की लंबी फेहरिस्त में नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी जुड़ गया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद तो जैसे उन्होंने अपनी उल्टी गिनती ही शुरू कर दी है, क्योंकि किसी अच्छे प्रयास के लिए तो उनका नाम कांग्रेस में शामिल होने के बाद सामने आया नहीं। हाँ, देश विरोधी और गलत बयानबाजी के लिए उनका नाम जरूर चर्चा में रहा है। अब कांग्रेस के लिए प्रचार करते वक्त गलती उन्होंने भी बीएसपी प्रमुख मायावती जैसी ही की, मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश, लेकिन जुबान पर लगाम कसना भूल गए। तभी तो बिहार के कटिहार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री का जिक्र किस मर्यादा से करना है ये ही भूल गए। तभी तो मोदी को सुलटाने की बात करने लगे। सिद्धू ने कहा कि मुसलमान एकजुट होकर अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो मोदी सुलट जाएगा। अगर तुम लोग इकट्ठे हुए, 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहाँ पे, यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा। ये है वो भाषा जो देश के प्रधान सेवक के लिए देश के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं। सभा को संबोधित कर रहे सिद्धू बोले, ये एक ऐसी लोकसभा है जहां अल्पसंख्यक भी बहुसंख्यक हैं। इसलिए आप अगर एकजुटता दिखाएंगे तो तारिक अनवर को कोई नहीं हरा सकता। कांग्रेस के स्टार प्रचारक सिद्धू यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी समेत मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां जात पात की राजनीति हो रही है। मुस्लिम भाइयों के लिए सिद्धू ने अलग से एक बात कही कि यहां ओवैसी जैसे लोगों को लाकर नई पार्टी खड़ी कर ये लोग वोटों को बांटकर जीतना चाहते हैं, लेकिन आपका ऐसा क्षेत्र है जहां अल्पसंख्यक भी बहुसंख्यक हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में उनका वर्चस्व 64% है। बीजेपी वाले आपको बांटने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको एकजुट रहना है। मैं आप सबको चेतावनी देने आया हूं, मुस्लिम भाइयों, आप 64% आबादी हो यहां पे, मेरे मुसलमान भाई जितने भी हैं वो ये मेरी पगड़ी है, लेकिन मैं आपको चेतावनी देने आया हूं, बहनों भाइयों, ये बांट रहे हैं आपको, मुस्लिम भाइयों, ये यहां पे ओवैसी साहब जैसे लोगों को लाके एक नई पार्टी साथ में खड़ी करके आप लोगों की वोटें बांट के ये जीतना चाहते हैं। सिद्धू ने क्रिकेट के लहजे में मोदी को छक्का मारकर बाउंड्री से पार भेजने की भी बात की, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा छक्का मारो कि मोदी को यहाँ बाउंड्री से पार मारो, ठोकर ताली। अब कांग्रेस नेता के इन बयानों के क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? अगर एक विशेष धर्म के लोगों को साधने के लिए बसपा प्रमुख मायावती पर, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर कार्रवाई हो सकती है, तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू पर भी कार्रवाई का डंडा चलाने में चुनाव आयोग को देरी नहीं करनी चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू को जवाब तलब जरूर कर दिया है। महाराष्ट्र के
कुछ हिस्सों में, गुजरात के कुछ हिस्सों में और भी कुछ राज्यों में कल अचानक जो मौसम बदला, आंधी तूफान में कई लोगों की मृत्यु हो गई, किसानों के फसलों का भी जो नुकसान हुआ है उसकी भी जानकारी भी मुझे मिल रही है। मैंने अफसरों को निर्देश दिया है कि राज्य सरकारों से बात करके जल्द से जल्द हर संभव सहायता आम जन को पहुंचाई जाए। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़ी है। जिन्होंने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों के प्रति भी मेरी संवेदना है। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी का आभार व्यक्त करता हूं, महायुति के सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आज चुनाव की बात करने से पहले महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने 50 साल महाराष्ट्र के लिए खपा दिए, उनके 75 साल पर विजय सिंह मोहते दादा पाटिल जी का मुझे स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं क्योंकि सार्वजनिक जीवन में कोई किसी भी दल में क्यों न हो, अगर वो देश के लिए, समाज के लिए अपना जीवन खपाया है तो उनके इस तपस्या को, उनके परिश्रम को हर किसी ने सम्मान करना चाहिए। और मेरा सौभाग्य है कि आज दादा का सम्मान करने का मुझे मौका मिला है। उत्तम स्वास्थ्य तो हम सब देख ही रहे हैं लेकिन उत्तम स्वास्थ्य के साथ, दीर्घायु के साथ वे हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, महाराष्ट्र की और देश की सेवा करते रहें, ये मैं हम सबकी तरफ से आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, जो दिल्ली में बैठे हैं ना, जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके हिसाब लगाते हैं कि इसने इसको गले लगाया तो ऐसा हो जाएगा, उसने इसके साथ हाथ मिलाया तो ऐसा हो जाएगा, उसने इसकी सामने नजर मिलाई तो ऐसा हो जाएगा, उन लोगों को पता नहीं है धरती की सच्चाई क्या है। ये केसरिया सागर मुझे अब समझ में आया कि शरद राव ने मैदान क्यों छोड़ दिया। क्योंकि शरद राव भी बड़े खिलाड़ी है, वो समय से पहले हवा का रुख समझ जाते हैं और वो ऐसा कभी कुछ नहीं करते जिसके कारण उनको और उनके परिवार को खरोच आ जाए। और कोई बलि चढ़ जाए तो चढ़ जाए, वो कभी अपने आप का नुकसान नहीं होने देते। और इसलिए मैदान छोड़कर के 9-2-11 हो गए। साथियों, एक मजबूत और संवेदनशील सरकार का मतलब क्या होता है,
छत्रपति शिवाजी महाराज की यह धरती बहुत अच्छी तरह जानती है। भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए केंद्र में ऐसी ही मजबूत सरकार चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आप अपने गांव में भी डीला डाला अगर पुलिस वाला आ जाता है तो आप पसंद करते हैं क्या? आपको दम वाला पुलिस वाला लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? अरे आपका बच्चा स्कूल में जाता है और मास्टर जी में दम ही नहीं है तो आप बच्चों को वहां पढ़ाना पसंद करते हैं क्या? अच्छा आप टीचर चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, इतना बड़ा देश भी चलाना है तो मजबूत देश भी चाहिए, मजबूत नेता भी चाहिए।